तो आज हम करेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है? पहले हमने किया था लेंस मेकर फॉर्मूला, अब हम करेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? माइनस वन बाई यू, जिसमें यू होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्लस वन बाई वी हमारा होता है इमेज डिस्टेंस, इज इक्वल टू वन बाई एफ, एफ हमारी होती है फोकल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक इमेज लेनी है। मैंने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस में एक इमेज ले ली। जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है, 2f से बियॉन्ड, मतलब 2f से दूर रखा हुआ है, तो जो हमारी इमेज बनी थी हमने देखी थी f2 और 2f2 के बीच में बनी थी। ठीक है, तो हम ये वाला केस लेते हुए हम इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। यहाँ जो हमारी इमेज है रियल बनती है, मतलब रे एक्चुअल में मिलती है, हम अपनी तरफ से नहीं मिलाते। ठीक है, तो हम रियल इमेज को लेते हुए एक फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं, माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई एफ। देखिए, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि मुझे कौन सी ट्रेंगल लेनी है, मुझे कौन सी ट्रेंगल लेनी है, मैं कौन सी ट्रेंगल ले रही हूँ। देखो, इमेज की भी ट्रेंगल बन रही है सी के साथ, और ऑब्जेक्ट की भी बन रही है। इमेज की ट्रेंगल भी बन रही है सी के साथ और ऑब्जेक्ट की भी बन रही है। तो सबसे पहले मैं ट्रेंगल ले रही हूँ, ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगल ए डैश बी डैश सी, ये ट्रेंगल ले रही हूँ। ठीक है, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की जो ट्रेंगल है वो सी के साथ बन रही है, इसलिए मैं ये वाली ट्रेंगल ले रही हूँ पहले। इस ट्रेंगल में ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं, तो मैं लिख सकती हूँ ए डैश बी डैश अपोन में ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी अपोन में ए सी। ठीक है, ऐसे ही अब मैं लेती हूँ ट्रेंगल एफ टू के साथ, ये जो एफ टू है इसके साथ, हमारी एफ टू के साथ इमेज वाली ट्रेंगल तो है लेकिन ऑब्जेक्ट वाली नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगी। ऑब्जेक्ट को कहाँ शिफ्ट करूंगी, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दिया सी ई। ठीक है, अब F2 के साथ भी दोनों की ट्रायंगल बनी, तो मतलब हमें कौन कौन सी ट्रायंगल लेनी है, एक C के साथ और एक F2 के साथ। तो ट्रायंगल CEF2 सिमिलर टू ट्रायंगल A'B'F2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया A'B' अपॉन में CE, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इज इक्वल टू A'F2 अपॉन में CF2, यही हो गया। अब मैं CE को मैंने क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है F2 के साथ ट्रायंगल नहीं बन रहा था, मतलब CE जो है एक तरह से हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो मैं लिख दूं A'B' अपॉन में CE की जगह मैंने लिख दिया AB इज इक्वल टू A'F2 अपॉन में CF2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, वन और टू से मेरे पास क्या हो गया A'C अपॉन में AC इज इक्वल टू A'F2 अपॉन में CF2, ये आ गया। ठीक है, तो अब मैं ये डिस्टेंस देखती हूँ A'C, A'C क्या है, हमारा इमेज का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस। तो मैं A'C को बेटा क्या लिख रही हूँ, अब मुझे साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, द डिस्टेंस टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव, या हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो ऑब्जेक्ट की तरफ अगर कोई भी डिस्टेंस लेते हैं तो पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट इस तरफ है यानी इस तरफ वाले सारे नेगेटिव, सॉरी ऑब्जेक्ट की तरफ वाले नेगेटिव लिए जाते हैं, अपोजिट साइड वाले लिए जाते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो इस तरफ वाले सारे नेगेटिव होंगे और इस तरफ वाले सारे क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं A'C हमारा उस तरफ हो गया, है हमारा इमेज, अब नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे ये मैंने तुम्हें बता दिया, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड वाले पॉजिटिव होते हैं। तो A'C तो हो गया हमारा प्लस वी। ठीक है, CF2 फोकल लेंथ है, वैसे भी कॉन्वेक्स लेंस की प्लस एफ होती है, और AC क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सी से, ये माइनस वी होगी। ठीक है, तो हम पुट करते हैं ये वैल्यू, देखो A'C क्या हो गया हमारा प्लस वी, AC क्या हो गया हमारा माइनस यू इज इक्वल टू A'F2। अब हमने साइन कन्वेंशन में किया था ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, अब ये वाला डिस्टेंस क्या है हमारा A'F2 तो कहीं से भी मुझे नहीं दिख रहा, ये ऑप्टिकल सेंटर से, तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम इसको कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, देखो A'F2 को मैं क्या लिख सकती हूँ A'C माइनस CF2,
हो गया मॉडिफाई। अपोन में सी एफ टू की वैल्यू क्या थी? प्लस है, ठीक है। तो आप देखिए क्या बन गया, प्लस बी अपोन में माइनस यू इज इक्वल टू ए डैश सी। ये हमारा क्या था? प्लस, तो प्लस बी माइनस एफ अपोन में एफ। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी एफ इज इक्वल टू माइनस बी यू प्लस यू एफ भी आ गया हमारे, ठीक है। अब यू वी एफ से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, वन बाय यू इज इक्वल टू माइनस वन बाय एफ प्लस वन बाय बी। यही तो आया हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं। देखो अब हम इसको अरेंज करते हैं, अरेंज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस वन बाई प्लस वन बाई बी इज इक्वल टू वन बाई एफ। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, हमने प्रूव कर लिया जब हमारी इमेज क्या बनी हुई है, रियल बनी हुई है। रियल इमेज के लिए हमने ये फॉर्मूला प्रूव कर दिया, ठीक है। बस क्या था, एक तो हमें ट्रायंगल लेनी है सी के साथ, एक हमें लेनी है एफ टू के साथ, ठीक है। सी के साथ लेनी है, एफ टू के साथ लेनी है, और दोनों की ट्रायंगल लेके इसके बाद जो सारे डिस्टेंस हैं हमें ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने, इस बात का ध्यान रखना है। और जो साइन है वो हमें कैसे लेना है ये भी ध्यान रखना है। जो ऑब्जेक्ट की तरफ वाले साइन होंगे वो हमेशा नेगेटिव होंगे, जो अपोजिट साइड होंगे उससे वो हमेशा हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। हर एक केस में हम ऐसा ही प्रूव करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वर्चुअल इमेज लेकर यही फॉर्मूला प्रूव करते हैं, ठीक है। ये रियल इमेज के लिए किया हमने, वर्चुअल इमेज का केस किया था। वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब हमारी ऑब्जेक्ट F1 और C के बीच में। तो वर्चुअल इमेज से हम यही का यही फॉर्मूला दोबारा से प्रूव करते हैं। देखिए हमने वर्चुअल इमेज का केस ले लिया जब हमारी ऑब्जेक्ट F1 और C के बीच में रखी हुई है। ये हमारी ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट से ये रे जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो, ठीक है। और एक रे हम सेंटर से पास करवाते हैं। अब ये रे एक्चुअल में नहीं मिल रही, एक्चुअल में नहीं मिल रही ना ये रे, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ अपनी तरफ से एक्सीड कर लेते हैं और यूं कह देते हैं ये रे जो है यहाँ पर मिल, ठीक है। यहाँ पर रे मिल गई तो ये हमारी बन गई इमेज ए डैश बी डैश। इसलिए इसे वर्चुअल बोला जाता है कि रे एक्चुअल में नहीं मिल रही, हम मिला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही, सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल लेते हैं हम, सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, सी के साथ वाली ट्रायंगल लेते हैं। तो ए बी सी हो गई और इमेज के साथ बन गई ए डैश बी डैश सी, ठीक है। इक्वेशन आई थी उधर भी, ए बी सी और ए डैश बी बी डैश सी के में ए डैश बी डैश अपोन में ए बी, ए डैश सी सी अपोन में ए सी, ये ले, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल लेते हैं हम एफ टू के साथ, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल लेते हैं हम F2 के साथ A डैश B डैश, इमेज की तो बन रही है F2 के साथ लेकिन फिर दोबारा ऑब्जेक्ट की नहीं बन रही, तो हमें ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। ये हो गया CE ऑब्जेक्ट। तो ट्रायंगल CEF2 सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश F2, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, A डैश B डैश इमेज का साइज हाइट अपोन में ऑब्जेक्ट का साइज इज इक्वल टू ए डैश एफ टू अपोन में सी एफ टू। दोनों में परपेंडिकुलर लिया, दोनों ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल का परपेंडिकुलर था सीई, इसका था ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश अपोन में सीई, क्योंकि ये ट्रेंगल सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए एफ टू, सॉरी सी एफ टू। सी एफ टू हो गया इसका बेस और इस ट्रायंगल का हो गया ए डैश एफ टू। तो ऊपर हम इमेज वाली ट्रायंगल की लिख रहे हैं तो ए डैश एफ टू अपोन में सी एफ टू। अब हम क्या करेंगे, ए डैश बी डैश सीई की जगह लिख दिया मैंने ए बी इज इक्वल टू ए डैश एफ टू अपोन में सी एफ टू, ठीक है। अगर मैं इधर ही मॉडिफाई कर दूं इसको, ए डैश बी डैश अपोन में ए बी, ए डैश एफ टू जो डिस्टेंस है ना बेटा वो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से नहीं, तो हम इससे वो मॉडिफाई करेंगे। ए डैश एफ टू को मैं क्या लिख रही हूँ, ए डैश सी प्लस सी एफ, ए डैश सी प्लस सी एफ टू अपोन में सी एफ टू, यानी इक्वेशन टू हमारी ये, ठीक है। तो वन और टू से हम ये लिख सकते हैं ए डैश सी अपोन में ए सी इज इक्वल टू ए डैश सी प्लस सी एफ टू अपोन में
सी एफ टू दोनों की जो राइट हैंड साइड है इक्वल होगी, अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी इक्वल है। अब देखो ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो ए सी तो हो गया हमारा माइनस यू, ए डैश सी इमेज भी इस तरफ आ गई, इमेज भी इस तरफ आ गई तो इसको भी नेगेटिव लिखते हैं इस वाले माइनस वी, ठीक है। और सी एफ टू क्या होगा हमारा प्लस एफ। अब हम क्या करते हैं ये वैल्यू पुट करते हैं, माइनस वी अपॉन में माइनस यू इज इक्वल टू ए डैश सी माइनस वी प्लस एफ अपॉन में एफ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वी एफ इज इक्वल टू प्लस यू वी माइनस यू एफ। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में यू वी एफ से डिवाइड, तो माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ माइनस वन बाय वी। अगर हम इसको रीअरेंज कर देंगे, अगर हम इसको रीअरेंज कर देंगे बेटा क्या मिलेगा, माइनस वन बाय यू प्लस वन बाय वी इज इक्वल टू वन बाय एफ। तो माइनस वन बाय यू प्लस वन बाय वी इज इक्वल टू वन बाय एफ, ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। ये F यहाँ पे कर देते हैं हम F, यहाँ पे आगे कहीं होगा 2F, ठीक है। तो आप देखिए क्या होगा, मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, यहाँ पर रख दिया, इसमें ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया मैंने, ठीक है। और कैसे लेती हूँ हम इमेज फॉर्मेशन, कैसे लेते हैं, एक रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देते हैं। अब यहाँ पर रे कन्वर्ज नहीं होगी, यहाँ पर रे डाइवर्ज होती है, तो डाइवर्ज होगी तो रे ऐसे चली जाएगी, ठीक है। सेकेंड रे क्या होती है, हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं, ये मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाया, तो ये रे तो बेटा कभी मिलेंगी ही नहीं। अब हम क्या करें, अब हम इमेज को जो बनाएंगे, ठीक है, वो रियल नहीं होगी, हमारी वर्चुअल इमेज होगी, ये बन नहीं रही, हम बना रहे हैं इसको। एक्सीड करें इस रे को, फोकस में लेके आएंगे, ये मैं फोकस पे, ठीक है। और ये हमारा हो गया अब इमेज, यहाँ पर रे दोनों मिल गई हैं, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इस केस में हमारी इमेज कैसे बनी, वर्चुअल एट इरेक्ट, ठीक है। तो अब इससे भी हम फॉर्मूला निकाल के देख लें, भाई लेंस के लिए तो सेम फॉर्मूला रहना चाहिए, तो इससे भी हम फॉर्मूला निकाल के देख लेते हैं। सेम वही मैथड, ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगल ए डैश बी डैश सी, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी अपॉन में ए सी। अब F के साथ ट्रेंगल लेनी है, F के साथ इमेज की तो बन रही है लेकिन ऑब्जेक्ट की नहीं बन रही। ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं सी ई, तो हमारी होगी ट्रेंगल ए ए डैश बी डैश सी ई एफ सिमिलर टू ट्रेंगल ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। दोनों के साथ ट्रेंगल लेते, सेंटर से, ठीक है। इसमें फिर ए डैश बी डैश अपोन में सी ई इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपोन में सी ई अपोन में ए डैश एफ इज इक्वल टू ए डैश एफ अपोन में सी एफ। ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। फिर दोबारा ए डैश एफ अपोन में सी एफ इज इक्वल टू ए डैश सी अपोन में ए सी। बिल्कुल सिमिलर स्टेप चल रहे हैं जो हमने कॉन्वेक्स लेंस में किए थे रियल और वर्चुअल के लिए, बिल्कुल सेम वही कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट की भी एफ के साथ ट्रेंगल नहीं होती थी तो हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा शिफ्ट करवा लेते थे, वही इसमें किया, एक सी के साथ ट्रेंगल लेते हैं एक एफ के साथ, इसमें भी वही किया। अब ए डैश एफ जो है हमारा डिस्टेंस, ये हमारा जो है ना भाई, ये ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है तो हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैं क्या कर रही हूँ, एफ सी माइनस ए डैश सी एफ या सी एफ माइनस ए डैश एफ अपोन में सी एफ इज इक्वल टू ए डैश सी अपोन में ए सी। देखो ऑब्जेक्ट भी इस तरफ, इमेज भी इस तरफ और फोकल लेंथ भी इस तरफ, तो ए डैश सी माइनस बी ए सी माइनस यू और सी एफ माइनस, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, माइनस एफ और एक मिनट, सी एफ की जगह मुझे लिखना था ए डैश एफ की जगह मुझे लिखना था बेटा ए डैश एफ की जगह सी एफ माइनस ए डैश सी एफ, ठीक है। तो ए डैश सी क्या है,
माइनस वी, तो माइनस ऑफ माइनस वी आपको अपनी सी एफ हो गया मेरा माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में माइनस यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू एफ प्लस यू बी इज इक्वल टू माइनस बी एफ, ठीक है, तो माइनस बी प्लस वन बाय एफ इज इक्वल टू माइनस यू, तो रीअरेंज करेंगे हम इसको क्या बनेगा माइनस वन बाय यू प्लस वन बाय बी इज इक्वल टू वन बाय एफ, ये बनेगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो हमारी इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी मैग्निफाई हो, ठीक है, कितनी मैग्निफाई होकर जो है हमें इमेज मिली है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। क्या है ये? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रेशियो है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। देखो अब साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज ये है ए डैश बी डैश, इसको मैं ले लेती हूँ एच टू, ए डैश बी डैश को मैंने क्या ले लिया एच टू, और ए बी को मैंने ले लिया एच वन। लेकिन अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव, हमारा साइन कन्वेंशन जो है इस चीज की, इस तरह की बातें हमें बता चुका है। द हाइट मेजर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल हाइट मेजर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव, यानी ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एच टू। तो फॉर्मूला क्या बन गया माइनस एच टू बाय एच वन। किसके लिए निकाला है ये हमने? रियल इमेज बनी हुई है। जब रियल इमेज बनी हुई है तो हमारा फॉर्मूला क्या आया माइनस एच टू बाय एच वन। अगर यही हमारे पास वर्चुअल इमेज होगी तो हमारा ये आ जाएगा एच टू बाय एच वन। देखो तो अब हम इस ट्रेंगल में ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए डैश बी डैश सी सिमिलर टू ट्रेंगल क्या है ए बी सी, ठीक है, यही होता है ना हमारा। तो यहाँ से क्या आ गया ए डैश बी डैश अपोन में ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी अपोन में ए सी, ये भी लिख सकते हैं हम। तो ए डैश बी डैश क्या है हमारे पास माइनस ऑफ एच टू, ए बी क्या है हमारा एच वन, और ए डैश सी हमारा है इमेज डिस्टेंस, वो भी ऑब्जेक्ट के अपोजिट तरफ है, तो हमने लिख दिया प्लस बी अपोन में ए बी, ए बी को हम क्या सॉरी ए सी, ए सी को हम क्या लिखेंगे माइनस यू, यानी मैं माइनस एच टू बाई एच वन को ऐसे भी निकाल सकती हूँ माइनस बी बाई यू निकाल दू इन केस ऑफ रियल, यानी रियल के केस में एम क्या होगा हमारा नेगेटिव, रियल के केस में एम क्या हो जाएगा नेगेटिव, और वर्चुअल के केस में हमारा एम क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, ठीक है, ये दोनों बातें जो है हमें याद रखनी है अच्छे से। तो ये मैंने वर्चुअल इमेज बना दी है, ठीक है, तो वर्चुअल के केस में भी हम देख लेते हैं एम कैसे पॉजिटिव होगा। देखो अब इसमें भी हमारा ए डैश बी डैश सी सिमिलर टू ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है, तो ए डैश बी डैश अपोन में ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी अपोन में ए सी, ठीक है, हमारा फॉर्मूला इसके अंदर बनेगा। देखो ए डैश बी डैश तो दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है एच टू बाई एच वन, एच टू बाई एच वन क्या हो गया पॉजिटिव आ गया इसके अंदर, तो एच टू बाई एच वन इज इक्वल टू किसके इक्वल है हम देख लेते हैं ए डैश सी, ए डैश सी हमारा क्या है माइनस वी अपोन में माइनस यू, यानी इस केस में हमारा देखो एस टू बाई एच वन इज इक्वल टू वी बाई यू हमारा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या ले रहे हैं हमने टू थिन लेंसेज ले लिए, ठीक है, अब हमने क्या किया देखो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट साइज मान लें, ये रे जो है ऐसे जाएगी, ठीक है, फिर दोबारा लेंस का मीडियम चेंज हो गया हमने ऐसे मान ली, और लास्ट में दोबारा रे कन्वर्ज हो गई यहाँ पर, ठीक है, ये हमने मान लिया सी वन सी टू, एक तरह से सी वन सी टू देखो ये बहुत थिन है तो जो डिस्टेंस सी वन से है ना वही सी टू से होगा। अगर मैं मान लो पी वन सी वन यू ले रही हूँ तो पी वन सी टू भी क्या होगा यू ही होगा, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे सॉरी लेंस जो है हमारे थिन है, तो इसकी इमेज बनी यहाँ पर, मैंने ले लिया ये आई वन,
और फाइनल इमेज ये दोबारा इधर जाएगी, ठीक है। और जब इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, तो मैंने बताया था वो जो इमेज है हमारे लिए क्या बनेगी, वो वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी इस अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये इसकी जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ऐसी ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये वाली ये ऐसे जाएगी, जो फाइनल इमेज है वो हमारी यहाँ बनेगी। मैं ये मान लेती हूँ P1C1 = P1C2 = -U, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज, इसकी इमेज जो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, फाइनल इमेज जो हमारी बन गई वो आई पर बन गई, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं, देखो जो C1 C2 है ये मैं मान रही हूँ पास पास है, तो जो डिस्टेंस C1 से होगा वही C2 से होगा। तो C1 I1 और C2 I1 ये मैंने मान लिया +2, ठीक है। ऐसे ही C1 I = C2 I, इसको मैंने V डैश बोला, तो ये हो गया V। तो देखो फर्स्ट लेंस के लिए 4, फर्स्ट लेंस यानी C1 वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, -1/U। इसकी इमेज क्या बनी थी, इसकी इमेज बेटा ये थी, ठीक है। पहले हमने ऑब्जेक्ट लिया P1 C1, इसकी इमेज बनी हमारी I1, तो प्लस इसकी मैंने डिस्टेंस लिया V' = इसकी फोकल लेंथ ले ली मैंने 1/F1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे लेंस के लिए, सेकेंड लेंस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इसकी इमेज, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो I1 बना था ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये डिस्टेंस हमने क्या ले रखी है V', तो मैं लिख लूँ -1/V', -1/U होता है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, V' है, प्लस इसकी इमेज कहाँ बनी 1/V = 1/F2, ठीक है, 1/F2। दोनों लेंसेज के लिए वही फॉर्मूला लगा दिया, -1/U + 1/V = 1/F, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, ऐड करते हैं तो क्या मिले, ऐड करते हैं तो हमारे पास यही आएगा, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, अब ये कैंसिल हो गए, यानी क्या हो गया, -1/U + 1/V = 1/F1 + 1/F2, -1/U + 1/V, मैं इसको बोल रही हूँ कंबाइंड, भाई टोटल इनिशियल ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज, यानी ये जो है ओवरऑल फोकल लेंथ दे रही है हमें, 1/F = 1/F1 + 1/F2, ये हमारे पास आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। यहाँ पर हमने लिए 2 लेंस, हो सकता है हमारे पास 3 लेंस हो, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ओवरऑल उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी है तो 1/F = 1/F1 + 1/F2 + 1/F3, ये थी हमारी कंबाइंड फोकल लेंथ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बता देती हूँ, हालांकि ये टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे, पावर क्या होती है हमारी 1/F होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से 1/F क्या हो गया, 1/F हो गया P, 1/F1 हो गया P1 और 1/F2 हो गया हमारा P2। तो अगर कंबाइंड पावर निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो कंबाइंड फोकल लेंथ तो हमारे पास आ गई, अगर हमारे पास n लेंसेज हैं तो फोकल लेंथ क्या बनी, 1/F = 1/F1 + 1/F2 + 1/F3 up to so on, ऐसे पावर क्या आ जाएगी, P = P1 + P2 + P3 up to so on, और मैग्नीफिकेशन निकालनी हो सबकी कंबाइंड, तो M = मैग्नीफिकेशन बेटा मल्टीप्लाई होती है M1 × M2 × F3 up to so on, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो है सिलेबस में है कंबाइंड लेंसेज का, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंस हमारे जो सिलेबस में है टॉपिक नहीं, ठीक है। CBSE के अकॉर्डिंग जो है ये टॉपिक पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हमारे सिलेबस में है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं पावर, तो लिखिए पावर क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, तो ये हमारे पास हो गया पावर ऑफ लेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी P = 1/F, ये कब होगा, जब F हमारे मीटर में, अगर F हमारा सेंटीमीटर में दे रखा है तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 100/F, ठीक है। और पावर की यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट होती है हमारी डायोप्टर, डायोप्टर,